तो व्यूअर्स, आज हम छिलके वाली मसूर से दाल बनाएंगे। दाल तड़का बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब दाल बनेगी इसकी। तो मैंने ये 120 ml वाली कप से एक कप भरकर ये लाल वाली मसूर लिया है जो कि छिलके के साथ है। तो एक कप हमने ये मसूर ले लिया है। तो हमने यहाँ पर एक टेबल स्पून चना की दाल लिया है। ये टेबल स्पून सर्विंग टेबल स्पून है जिससे हम आम दिनों में सब्जी सर्व करते हैं। तो एक टेबल स्पून हमने चने की दाल लिया है और एक टेबल स्पून ही हमने उड़द की दाल लिया है। ये भी छिली हुई उड़द की दाल है। यहाँ पर ये काले मसूर की दाल जो बनती है वो आप अकेला भी बना सकते हैं, मगर इसमें मैंने ये दो दाल मिलाई है। इसकी एक वजह है, ये उड़द की दाल जो है वो इसे एक बाइंडिंग देता है और दाल मिली जुली हुई होती है, और चने की दाल इसे टेक्सचर देगा, टेस्ट देगा। तो ये दोनों दाल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे मिला लें और चाहें तो स्किप कर दें। अब इस दाल को हमें अच्छी तरह से धो लेना है। तीनों चीज़ को एक साथ मिलाकर तीन चार पानी से खूब अच्छी तरह से मलमल कर धो लें ताकि इसका इसके ऊपर जो एक पाउडरी सब्सटेंस होता है वो हट जाए। और इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं, 4 घंटे 6 घंटे या ओवरनाइट जो भिगोया जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस धोकर साफ करके एक तरफ रख लें। अब दाल को सीजन करने के लिए हमने कुछ मसाले इकट्ठा किए हैं। तो 3 हमने होल रेड चिली लिया है, 1 लार्ज साइज़ का अनियन चॉप करके लिया है और 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि मार्केट में दालचीनी 2 तरह की है, एक ओरिजिनल और दूसरी डुप्लीकेट। तो ये दालचीनी जो है वो डुप्लीकेट है, एक लकड़ी है जो नुकसान करता है, और ये ओरिजिनल दालचीनी है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है और आप चाहें तो इसे आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर हाथ से देखिए, ये इस तरह की सॉफ्ट लकड़ी होती है। तो सतर्क रहें, इस तरह के धोखे में ना आए, इस लकड़ी को ना यूज़ करें। पाउडर मसाले में 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है और स्वाद के अनुसार नमक लेना है। यहाँ पर हमने लगभग 3/4 टीस्पून नमक लिया है। एक मीडियम साइज टमाटर को चॉप कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख दें और दाल को हम बॉयल करने का इंतज़ाम करेंगे। अब जो हमने दाल को धो कर रखा है वो दाल 10 मिनट में थोड़ी सी फूल चुकी है, तो उसे कुकर में डाल दें। अब यहाँ पर जो हमने सारी कटी हुई चीज़ें और पाउडर मसाला इकट्ठा किया था वो भी डाल दें। कटी हुई टमाटर भी डाल देना है। और अब यहाँ पर दाल के गलने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना है, तो पानी डालने में ज़रा एहतियात करना है। अब एहतियात ये करना है कि पानी कितना डाला जाए कि दाल गल भी जाए, सूखी भी ना रहे और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो जाए। तो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को ही हमें काम में लाना है। अब यहाँ पर पानी हमने अंदाजे से डाला है, बस इतना कि ग्रेन से 1 इंच ऊपर पानी आ जाए। और यहाँ पर 1 टीस्पून हमें मस्टर्ड ऑयल डाल देना है। ये तेल इसे कुकर से बाहर आने नहीं देगा, बार बार सीटी से बाहर आने लगता है तो तेल इसे बाहर आने से रोकता है और दाल गलकर अलग अलग भी रहती है, इकट्ठा नहीं होती। तो ये एक ट्रिक है। तो अब इस दाल को हम गलाने वाले हैं। यहाँ पर हमें फ्लेम को ऑन करना होगा, अभी तक मैंने इसे बंद फ्लेम पर रखा हुआ था। तो हमने गैस को ऑन कर दिया है और अब
इसे बॉईल करना होगा। जैसे ही इसमें उबाल आए हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना होगा, फ्लेम को धीमा कर देना होगा और धीमी आंच पर ही इसे गलाना है। लगभग 2 सीटी में ये गलकर रेडी हो जाएगा। अब दाल में उबाल आने लगा है तो यहाँ पर फ्लेम को धीमा कर देना है और कुकर में ढक्कन बंद करके इसके गलने का इंतज़ार करना है। अब जब तक दाल गल रही है हमने यहाँ पर बघार का सामान तैयार कर लिया है। तो इसके लिए हमने 5-6 जौ लहसुन की बारीक कतर लिया है, कुछ दाने काली मिर्च के हैं और अदरक के को बारीक कतर लिया है, साथ ही 7-8 दाने काजू के हैं, करी पत्ता है, प्याज है और 2 चुटकी हींग है। आप चाहें तो करी पत्ता की जगह धनिया की पत्ती भी रख सकते हैं या दोनों को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाल अच्छी तरह से गल चुकी है, अब इसे बघारना है और बघारने से पहले हमें इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना है। तो आपकी जितनी ख्वाहिश आप इसमें पानी मिला सकते हैं। इसी तरह के टेक्सचर से दाल में स्पेशल मज़ा आता है। अब दाल को बघारने के लिए हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल के साथ घी का इस्तेमाल किया है। 4 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लहसुन अदरक और काली मिर्च को डाल देंगे। अब यहीं पर काजू को डाल देना है, यहीं पर हींग पाउडर डाल दें और अब प्याज। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो उम्मीद है दाल की इस रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही आसान तरीके से बनाई हुई दाल है, बस एक स्टेप में ही ये बन जाती है। इसे गला लें और बघार लें। ये रोटी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है। अगर सब्जी ना भी हो तो ये दाल से खाई जा सकती है। तो इसे बनाएं। थैंक यू।